हेलो बच्चों, नमस्कार। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझी थी। लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा था। अब आप लेक्चर 15 के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गॉस लॉ। पहले वीडियो के स्टार्टिंग में गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस को अगर आप सोचोगे तो आपको क्वेश्चन सोचने के बाद क्या होगा कि गॉस थ्योरम आपको लाइफ टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए याद रह जाएगी, जो हम जनरली नहीं सोचते। हम सीधे स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले कि गॉस थ्योरम या गॉस लॉ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या काम आता है, वो क्या निकालने के काम आता है, तो उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो हमने कहा कि हम गॉस लॉ को पहले ये सोच लेते हैं। गॉस लॉ बोल दीजिए आप लोग, गॉस लॉ ऑब्लिक गॉस थ्योरम, या तो आपने गॉस लॉ बोला है या फिर आपने गॉस थ्योरम बोलना है, ठीक है। इसको गॉस लॉ है, गॉस थ्योरम क्या होता है, तो देखिए मैं आपको अभी इसका स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा, थोड़ी देर में लिखाऊंगा। मैं बोलता हूं कि गॉस लॉ बेसिकली क्या निकालती है, इट कैलकुलेट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इससे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही जिसे हम लोग फाई से डिनोट कर रहे थे। फाई इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, ई इंटू ए पढ़ा हुआ था, कल पढ़ाया था मैंने। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है, ठीक हो गया। इनका प्रोडक्ट, ई और ए का प्रोडक्ट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में अराइज करना चाहिए, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये गॉस लॉ या गॉस थ्योरम ऐसा क्या करने वाला है जो हमारे लिए क्लास 12th में या फिजिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या रोल है कि भाई अगर मैंने पढ़ लिया एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए फाई इक्वल टू ई है, और मैं कह रहा हूं कि गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी वही निकालने वाला है, देन व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, दिस शुड बी इन आवर माइंड। तो देखिए आप समझिए यहां पे, अब यहां से हम लोग बात करते हैं गॉस के स्टेटमेंट की। गॉस के स्टेटमेंट की बात करते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट मीन्स टोटल होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस, इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज enclosed by the surface, ये आपकी स्टेटमेंट है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस, कुछ शब्द इंपॉर्टेंट है, गॉसियन सरफेस क्या होता है इसको समझना है, इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, इसको लिखेंगे अगर मैं मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा फाई इज इक्वल टू, उसने बोला वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसका, चार्ज इनक्लोज्ड, तो वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इन टू क्यू, यानी कि अगर ऐसे लिखेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने नोट्स बनाने में इस फॉर्मूले की जगह जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको छोड़ देना है, बाकी आप सब लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मैथमेटिकली लिखा तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे दो चीजें दिख रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला ये भी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला ये भी है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एरिया चाहिए, और इवन इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिखते थे, अगर ये थीटा एंगल पे होगा तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना पड़ेगा किसी चार्ज की वजह से, एरिया निकालना पड़ेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा थीटा किस एंगल पे वो रखा हुआ है। इतनी सारी चीजों को जब निकालोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे, तब जाकर के फ्लक्स निकलने वाला है। जबकि गॉस थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट क्या है बाद में डिस्कस करता हूं, सिर्फ ये देखो, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, क्यू
मतलब आपको सिर्फ उस चार्ज की इंफॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे उसने बोला 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब आपके पास किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है, ठीक है। या कोई काम करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक ये है एक ये है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एरिया निकालना है, थीटा करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर फ्लक्स निकलेगा। और जबकि अगर कंपैरेटिवली चार्ज दोनों केसेस में दिया होगा तो इसमें आपको सिर्फ चार्ज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फ्लक्स निकाल देंगे। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे गॉस लॉ को पढ़ते हैं, क्योंकि गॉस लॉ में जो फ्लक्स निकालना है उसके लिए मुझे सिर्फ चार्ज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मुझे चार्ज पता है तो मेरा फ्लक्स निकल के आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है phi is equal to q upon epsilon naught के अंदर, और यहाँ आपका phi equal to आपका ea cos theta है, ठीक हो गया। अब आप इसको तो समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना पड़ता है गॉस लॉ लगाने के लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने मान लीजिए कोई यहाँ पे चार्ज है, कोई चार्ज है, आप ऐसे समझ के चलो। मैं आपको एक पहले क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखो बहुत लंबा टॉपिक है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाली डेरिवेशन कराना है तो मुझे 5 मिनट लगेंगे उसको कराने में, लेकिन जब हम हर पॉइंट को सोच के चलेंगे, समझ के चलेंगे, क्योंकि फिजिक्स में सोचना समझना ही है कि इसने ऐसा क्यों किया, भाई ये फार्मूला था तो गॉस फार्मूला क्यों लेके आया, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, इन सारी चीज़ों को जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तब जाके हमें चीज़ें समझ में आती हैं, तब हमारी समझ विस्तृत होती है और तब हम लोग डिटेल में जाके सोचना शुरू करते हैं और एक सब्जेक्ट को लेकर के हमारी बेहतर समझ बनती है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये भी फॉर्मूला है ये भी है, अब आप एक एग्जांपल क्वेश्चन दिमाग में लीजिए। आपको मैंने आप अपने घर में देखिए, एक चीज़ आपने देखी होगी कि जैसे घर में हम लोग बल्ब जलाए रहते हैं, ठीक है, तो हम बल्ब जलाते हैं तो, और कभी उस बल्ब को चेंज करके आप मान लो आपके घर में एक बल्ब की बात मैं कर रहा हूँ, नॉर्मल सा आप CFL एक बल्ब लगा रहे हैं, एक आपके घर में 6 वाट का बल्ब लगा हुआ है, आप मान लीजिए दूसरा उसको चेंज करके बाद में 15 वाट का बल्ब लेके आते हैं। आपको नहीं पता कि आप बल्ब लेके आए, आपकी माता जी को नहीं पता है बल्ब लेके आए आप, ठीक है, आपने बल्ब चेंज कर दिया। तो जब 6 वाट का बल्ब लगा होगा तो घर में देखेंगे तो क्या होगा, कमरे में लाइट कम दिखेगी, और जब आपका 15 वाट का बल्ब लगा होगा तो चमक क्या होगी, ज़्यादा दिखेगी। अब अगर उन सेम दो बल्बों को अगर मैं हवा में जाके लटका दूं, बाहर जाकर के छत में या बाहर कहीं खुले में जाके लटका दूं, जहां दूर दूर तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, खुला है मतलब चारों तरफ, और दो दूर दूर लटका देता हूं, तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि किसमें से ज़्यादा लाइट निकल रही है? तो देख करके हमारे लिए बता पाना पॉसिबल नहीं है कि किसमें से लाइट ज़्यादा निकल रही है। हाँ, वो बल्ब अगर कमरे के अंदर जला दिए जाए 1 by 1 या अलग अलग कमरों में सेम साइज के जला दिए जाए, तो जिस कमरे में लाइट ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से हमें पता चलेगा, हाँ इस कमरे की दीवारें ज़्यादा चमक रही है तो इसका मतलब यहाँ पे इस बल्ब की लाइट ज़्यादा है। तो दीवारों से पता चल रहा है, दीवारों को देख के पता चल रहा है कि किस बल्ब से लाइट ज़्यादा निकल रही है। तो वैसे ही अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, मान लो एक क्यू है एक टू क्यू है, एक क्यू है मान लीजिए एक टू क्यू चार्ज है मेरे पास, ठीक है, तो ये क्यू है ये टू क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली बात है टू क्यू वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलेंगी, इसमें से कम निकलेंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे वो बल्ब की लाइट को देखने के लिए दीवारों में चमक देखी थी, उसी तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखने के लिए एक सरफेस लगानी पड़ेगी, उस सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। समझ में आ रही बात? We draw an imaginary surface surrounding that charge. Suppose we have a charge at this point, then we are going to create a hypothetical surface that is called Gaussian surface. तो Gaussian surface उसके चारों तरफ आप बना देंगे, तो उस Gaussian surface से जितनी lines निकलेंगी वो उसका simply flux हो गया। और मैंने क्या बताया कि Gauss theorem किसको calculate कर रही है, आपकी flux। तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके कोई charge है, point charge, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ को निकलेंगी, यहाँ को यहाँ को यहाँ को, ऐसे सब, तो इसके चारों तरफ सिमेट्री कैसी बनेगी, स्पेरिकल सिमेट्री बनेगी ना। अगर ऐसे ऐसे करके सब तरफ निकल रही है देन आप स्पेरिकल सिमेट्री बनाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे चार्ज है, आपने इसके चारों तरफ जो सरफेस बनानी है ये क्रिएट आपने करनी है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस है ये आपने बनानी है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से चार्ज है
आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर को निकलेंगी, ये ऐसे आउटवर्ड, ठीक है। तो बेटा ये जो सरफेस है इसका निर्माण आपने करना है, आपको सोचना है कैसी होगी सरफेस। जैसे ये है, इसमें सरफेस इस तरीके से बनेगी। अगर मान लो चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता किसी सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के लिए लाइन चार्ज में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता, अगर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं आप, ये कि आपके ऊपर है, आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके। जैसे मान लो अब आपके पास बल्ब, अभी तक पॉइंट चार्ज को आप बल्ब ले रहे हो, अब आपके पास ट्यूबलाइट है ऐसे कुछ। अगर ट्यूबलाइट अभी भी नहीं जल रही, मुझे लग रहा है नहीं जल रही है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, जलेगी धीरे धीरे और समझ बेहतर बन के ही बाहर निकलोगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जैसे है इसके अंदर ये ट्यूबलाइट है, तो लाइट कैसे बाहर, लाइट अब कैसे इधर को इधर को तो जाएगी नहीं, सभी ने देखा होगा इधर से बंद होती है, तो लाइट इधर को निकलेगी आपकी तरफ को आएगी, मतलब इसमें से चारों तरफ ऐसे तो बाहर को निकलेगी, इधर को इधर को ऐसे करके बाहर को निकलेगी ना, ये जैसे ये हो गया ऐसे करके चारों तरफ बाहर को निकलेगी। तो इसके लिए मुझे एनवेलप बनाना पड़ेगा, तो वो एनवेलप कैसा होना चाहिए, इस तरीके का। तो अगर स्ट्रक्चर को देखा तो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर इस तरीके की सरफेस होगी तो गॉसियन, अगर इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, तो मुझे गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, वो गॉसियन सरफेस होगी सिलेंड्रिकल। पॉइंट चार्ज है तो मुझे गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, लेकिन पॉइंट चार्ज के केस में जो मेरी गॉसियन सरफेस होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। क्योंकि पॉइंट चार्ज मतलब एक बल्ब ले लो, एक बल्ब ले लो, उसको आप पतली से धागे से लटका दो, आंख बंद करके अज्यूम करते तो बल्ब हो गया, ऐसे लाइट चारों तरफ निकलेगी, उसमें से कितनी लाइट निकल रही है इसको आपने कंसीडर करना है। तो आपने एक बड़ा सा उसके चारों तरफ क्या बना दिया, हाइपोथेटिकल सरफेस बना दी। एक एग्जांपल और है, आप जैसे फुटबॉल आपके पास है, ठीक है, उस फुटबॉल के अंदर मान लीजिए, अभी मैं खोऊंगा छेद करता हूं तो लोग सोचें हवा निकल रही है, अरे भाई मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, उसमें आपने एक लोहे की टाइप की या किसी मेटल सरफेस की कोई बॉडी की आपने एक फुटबॉल बनाई थी, उसके आप अंदर एक कहीं से होल करके एक छोटा सा बल्ब डाल दीजिए और बल्ब बिल्कुल गोल है, उसमें एक पतला से धागे सामने लटकाया हुआ है, तो क्या होगा, वो लाइट चारों तरफ जाएगी ना, तो वो जो बल्ब लटकाया छोटा सा आपने, दैट इज चार्ज, और उसके चारों तरफ जो आपने सरफेस बनाई है वो कितनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, वो सरफेस आपकी गॉसियन सरफेस है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैलकुलेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट होती है हमारी गॉसियन सरफेस। तो मैंने क्या बोला कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मैथमेटिकली इसको हम बोल रहे हैं फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहां पे गॉसियन सरफेस बनानी है, गॉसियन सरफेस आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें हैं। अब एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मीडियम होगा तो किसी, अगर यहाँ पे मान लो कोई चार्ज है और यहाँ मीडियम लगा देता हूँ मैं, कोई मान लीजिए मीडियम है और मीडियम के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे परमिटिविटी मीडियम की बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लक्स आपका डिक्रीज करता जाएगा। इफ एप्सिलॉन विल इंक्रीज देन फाई विल डिक्रीज। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका ये हो गया, और गॉसियन सरफेस के कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया। तो हमें यह समझ में आया कि भाई इससे फ्लक्स निकालना आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ एक इनक्लोज सरफेस इनक्लोज कर देनी है, सरफेस इनक्लोज हो रही होगी तो आपका क्यों निकल जाएगा। मान लो तो जरा अब इस फॉर्मूले की बात करते हैं, अब ये तो सीधी सीधी सरफेस है, यहाँ पे एरिया निकालना आसान है। अगर अब चार्ज ऐसा कुछ होता, मान लो प्लस क्यू चार्ज होता, अब ऐसी सरफेस होती तो कितना देगा, इसका कौन एरिया निकालेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा मैथमेटिशियन यहाँ पे इसका एरिया निकालने के लिए। अगर इस टाइप की सरफेस होगी तो दिमाग खराब हो जाएगा ना। तो गॉस कह रहा है कभी भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, चीज़ें आसान करने के लिए, परेशानी लेके नहीं। वो उसने कहा हाँ सेब गिर जाता मर जाते, आज सेब गिर जाता मर जाते तो सभी खत्म हो जाता, ना ये मोबाइल होता, ना ये लाइट होती, ना ये पंखा चल रहा होता, ना एसी होता, ना फ्रिज होता, ना ये होता, ना वो होता, दुनिया भर की चीज़ें नहीं होती अगर विज्ञान आगे नहीं बढ़ा होता। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो कि अगर गॉस ने नहीं सोची होती आपकी परेशानी कि यार ये बेचारे कहाँ परेशान होंगे, यहाँ ई ए निकालेंगे, टीचर तो दे देगा क्वेश्चन, टीचर ने तो दे ही देना है इनको क्वेश्चन कि निकाल बेटा, जैसे निकालता है घर से निकाल लाना होमवर्क हो गया। लेकिन उसने कहा नहीं ऐसा मत करो, फ्लक्स निकाल दो सीधे, क्यों पता होगा तो फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। चुपके से बच्चा घर गया, उसने गॉस थ्योरम लगाई, गॉस थ्योरम लगा के फटाक से अपना आंसर निकाला, उसने कहा ये लो सर आपका ये आंसर रहा, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है,
मैं करूंगा ही नहीं इसको। तो इस तरीके की चीजों के लिए गॉस आ गया। तो पहले सबसे पहले जरूरी है मैं गॉस को समझ लूं, तभी मैं गॉस को प्रणाम कर पाऊंगा, तभी मैं गॉस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नंबर ले लूंगा। तो सब प्रणाम कर लो। प्रणाम करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी परेशानी इसने काफी हद तक सॉल्व कर ली है। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। अब प्रूफ के भी दो तरीके हैं प्रूफ करना इसको, इसके आए दो दो मेथड हैं, मेथड वन और एक मेथड टू रहेगा। आप मेथड वन मेथड टू मत लीजिए, मैं दोनों मेथड आपको पढ़ाने वाला हूं। उसकी वजह यह है क्योंकि मेथड टू जो है वो कंपैरेटिवली आसान रहता है, बुकों में लिखा रहता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आपको मेथड वन से सॉल्व करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए अभी आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। देखिए आपने यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज ले लिया, सबसे पहले क्या करना है इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बनानी है। गॉसियन सरफेस आर्बिट्री होनी चाहिए, ये आपने आर्बिट्री गॉसियन सरफेस बना दी। आर्बिट्री मतलब होता है अपनी मर्जी से, जैसी मर्जी आ रही वैसी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसको इनक्लोज करनी चाहिए। तो ये मेरी क्या हो गई गॉसियन सरफेस। मान लो इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया, थ्री डी स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे एक एरिया कंसीडर कर लिया। तो प्लस क्यू से पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो ये आउटवर्ड रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, इसको भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, कौन पूछ रहा है ये। इसकी जो डायरेक्शन होगी, कल मैंने पढ़ाया था आपको कर और आज दो ये शब्द आते हैं बोलने, तो ऐसा मैं बच्चे कल पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, ये किसी भी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर होती है, पढ़ाया था। लेकिन ये अब टेढ़ा मेढ़ा है, ये सरफेस पूरी टेढ़ी मेढ़ी हमने बनाई हुई है, तो क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, ये डायरेक्शन होगी इसकी एरिया वेक्टर की, इसको डी एस वेक्टर कह देते हैं। ये छोटा सा एरिया डी एस है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब आप इसको क्या कर देते हैं, देखो अब अगर मुझे यहाँ पे लिख देना है लेट प्लस क्यू बी अ चार्ज, प्लस क्यू बी अ चार्ज प्लेस्ड प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। लेट पी बी अ पॉइंट, पी बी अ पॉइंट डिस्टेंट स्मॉल आर फ्रॉम ओ, ठीक है, ये आर हो गया। लेट डी एस बी एन एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज थीटा। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा हो गया। अब हम पढ़ के आ रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या निकालती है, फ्लक्स। तो हम इस छोटे से एरिया से पहले फ्लक्स निकाल देंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया, तो क्या हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी वाई क्या हो जाएगा आपका, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हो जाएगा, तो ठीक हो गया। अब अगर टोटल फ्लक्स निकालना आपने, अब इसको आप अगर एक्सपेंड करना चाहेंगे तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा होता था, तो वैसे ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा आपका, ई डी एस कॉस थीटा डी फाई। ये कहाँ से लिखा है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। ये तो छोटे से पोर्शन की वजह से निकल गया। अब अगर मुझे टोटल की वजह से निकालना है, पूरे में से निकालना है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब बोर्ड में ज़्यादा जगह नहीं है तो इसको रफ कर लो आप, इसको सॉरी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो रोक रोक के भी आप लोग नोट्स बनाइए, जैसे भी करना है। टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे,
डी फाई की वैल्यू कितनी है आपकी, ई डी एस कॉस थीटा। अब आपने ये ले लिया ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट ओ कितना होगा, इज इक्वल टू वन अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ लेगा हमने, वन अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाई इज इक्वल टू, आप सोचो क्या था, ई डी एस कॉस थीटा, ई की वैल्यू हमने लिख दी वन अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम करते गए हैं, यहाँ पे वन अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेते हैं, और आप क्या करेंगे यहाँ पे क्यू भी बाहर ले लेंगे टोटल चार्ज, यहाँ पे डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख देते हैं फ्लक्स की वैल्यू, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा समझना है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को समझाने जा रहा हूँ। देखिए तो आर आपको समझ में आ ही गया है, आप क्या करिए देखिए ना, इसको यहां मिला दो इस तरीके से, इस सरफेस को इस पॉइंट से उसे आपने मिलाया, तो यहां पे जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इसको डिनोट करते हैं किससे, डी ओमेगा से। तो अब ये तो यहां तक तो हो ही गया है, इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक हम लोग सॉलिड एंगल का क्लियर कर लेंगे। जैसे आपने देखो ना, पहले एक मिनट सुनिए, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंगल इक्वल टू क्या होता है आपका, आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस। जैसे ये दो उंगलियां मैंने ऐसे कर दी, और ये पोर्शन, ये जो मार्कर यहाँ पे जो एंगल बनाएगा, तो ये आर्क हो गई, आर्क अपॉन ये रेडियस आ गया, इसको इसको किसी को भी लिखते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, जो आर्क अपॉन जो रेडियस होती थी वो लेते थे हम लोग एंगल इक्वल टू। तो जब कोई लाइन किसी पॉइंट पे बनाती है तो उसको एंगल बोला जाता है, जब कोई सरफेस किसी पॉइंट पे कोई चीज बनाती है उसको सॉलिड एंगल बोला जाता है। जैसे मान लो मैंने बोर्ड पे ये चीज बनाई यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया, एक सरफेस तो है। अब आप सोचो कि आप तक लाइनें आ रही हैं, आप तक लाइनें कैसे आएंगी, आप ऐसे सोचो ना, ये ऐसे ही तो लाइनें आएंगी आप तक, ये समझ रहे हो ना, ये फैलेगा 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 तो कोन तो बन रहा होगा। आप ये सोचो यहां से एक लाइन आपके आंखों तक आ रही है, ये आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, तो आप तक बेटा ऐसे सीधे नहीं आएगी, आप तक ऐसे करके आएगी ना, आप अपने आई को बीच के सेंटर में से, सेंटर में सामने खड़े हैं आप लोग, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं देखो, तो कैसे लाइन्स आएंगे, ऐसे ही तो आएगी, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो आप देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनते हुए दिख रहा है, आपको कोन बनते हुए दिख रहा होगा, समझ रहे हैं ना, ये कैसा बनता हुआ दिखेगा, कोन। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो कोई सरफेस जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल, अगर मैं निकालने की बात करता हूं, वो होता है आपका सरफेस एरिया, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। यहां आर होता था, यहां पे आर स्क्वायर होगा एंगल, क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब यहां पे सरफेस एरिया जो होगा, एरिया स्क्वायर में होता है ना, तो स्क्वायर की यूनिट कैंसिल करने के लिए यहां भी नीचे स्क्वायर में होना चाहिए, तो आप ऐसे याद कर लीजिए आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी थी, आर थी आपकी। तो अब ये तो फॉर्मूला हो गया, यहां पे क्या होगा, अब यहां ध्यान दे, सॉलिड एंगल सबस्टेंडेड बाय एलिमेंट्री एरिया क्या, डीएस। ये कितना होगा, देखिए आपका डी ओमेगा इज इक्वल टू, यहां ध्यान दो, अब बच्चे सोचेंगे कि अभी सर ने बोला कि भाई सरफेस एरिया ले लो, तो डीएस की वजह से ले रहे, तो डीएस ले लेना चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे, अपॉन आर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन बेटा ये जो डीएस है वो आपका जो एरिया है वो किस एंगल पर रखा हुआ है, ये जो सेंटर से लाइन जा रही है उसके साथ थीटा एंगल पर रखा है, तो इसका हमें डीएस का कंपोनेंट देखना पड़ेगा। तो डीएस का ये कंपोनेंट कितना है, डीएस कॉस थीटा, सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग देखा जाता है, तो इस डीएस का ये कंपोनेंट हो जाएगा डीएस कॉस थीटा।
तो यहाँ पे ds ना आने की जगह अभी क्या आएगा, ds cos थीटा। अरे हमने कहा ये तो हम समझ गए कि भाई इसकी जगह पे कितना आता है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो ये फाई निकल के आ रखा था, इस फाई की वैल्यू की जगह पे मैं d ओमेगा लिख दूंगा, ठीक हो गया। ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर की जगह d ओमेगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो नाउ क्या हो जाएगा, देखिए नाउ फाइ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 pi epsilon naught q इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका d ओमेगा, ये वैल्यू है इसका, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन d ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, सॉलिड एंगल टोटल, सॉलिड एंगल सबस्टेंडेड एट पॉइंट ओ, उसकी वैल्यू कितनी होगी 4 pi। कैसे, सरफेस एरिया क्या होता है 4 pi आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 4 pi। तो किसी पॉइंट पे, अगर किसी पॉइंट की आप बात करते हैं, जैसे अब यहां पे समझ लीजिए किसी पॉइंट के लिए आप बात करेंगे, तो यहां पे जो टोटल बनेगा वो क्या बनेगा, सरफेस एरिया 4 pi आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी 4 pi। तो इसलिए हमने कहा टोटल सॉलिड एंगल सबस्टेंडेड एट पॉइंट ओ वो कितना होगा 4 pi, तो इसकी जगह पे 4 pi लिख देते। अब मान लो पेपर में बैठे फंस गए, नहीं आ रहा है, भूल गए कितना होता है, तो भाई थोड़ा कॉमन सेंस भी दिया भगवान ने, वो लगा लेना, तुक्का जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस बोलते हैं। उसने कहा यार ये डी ओमेगा दिख रहा है, अब पहुंचना कहाँ है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तक, ये 4 pi को हटाना है, डी ओमेगा को हटाना है, तो एक ही रास्ता है। अगर मैं अपने आप से लिख दूं कि भाई इंटीग्रेशन डी ओमेगा कितना होता है 4 pi, 4 pi से 4 pi कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी तरीका हो सकता है। ऐसे भी छोटी छोटी चीजें पढ़ते वक्त जितना अपने आप से बात करोगे घर के अंदर पेपर देने से पहले, उतनी चीजें क्लियर होती हैं, उतना पेपर में परेशानी कम होती है। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा, तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जगह पे कितना लिख दो 4 pi। हालांकि ये तो होता ही है, नहीं भी आए तो तब भी आप यहाँ पे लिख करके कैंसिल आउट करके कहोगे वाह, टीचर सोचेगा तो बहुत ही विद्वान बच्चा है, इसको तो ऐसे ही आता है, इसको तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना, कोशिश ये करनी चाहिए जितना ज्यादा आप डिफाइन करेंगे उतना बढ़िया है। अब टीचर के लिए नहीं डिफाइन कर रहे हैं, खुद के लिए डिफाइन करो, खुद को सिखाना है तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक बढ़ गए आपने, फिर ये लिखा, उसके बाद ये लिखा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे करना क्या है, नाउ लेके आप वैल्यू लिख देनी है। इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 4 pi, 4 pi से 4 pi कैंसिल हो गया, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका प्रूफ हो गया गॉस थ्योरम। ये एक तरीका है गॉस थ्योरम को निकालने का। अब मैंने कहा था वी हैव टू मेथड्स, एक मेथड को मैंने करा दिया, अब मैं दूसरे मेथड की बात करने वाला हूँ। देखिए ये ठीक हो गया, सेकेंड मेथड क्या होता है, देखो बच्चों पहले मेथड और सेकेंड मेथड में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। देखिए ये आपका क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, प्रूफ हो गई है, और ये साथ में डायग्राम। मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 में क्या अंतर है, देखो आपका यहाँ पे मेथड 1 पढ़ा रखा है मैंने, और यहाँ पे मैं मेथड 2 का डिस्कशन कर रहा हूं। मेथड 2 में क्या होगा ना बच्चों, आपने देखा होगा कि बुक में ऐसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिख देते हैं, इसके चारों तरफ ऐसे स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बना देते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम है स्पेरिकल गॉसियन सरफेस से, आप स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस हो गया ना, इसको मैं ये भी तो सोच सकता हूँ, अगर मेरे को नहीं आता ये सब तो मैं खाली इसे देखूं तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा हाँ यार गॉस का फॉर्मूला मैं नहीं सोचूंगा, लेकिन जो विद्वान होंगे सब्जेक्ट के वो तो ये सोच सकते हैं कि भाई ये फॉर्मूला क्या आप स्फीयर बना रहे हैं, मीन्स क्या आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्पेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए होल्ड करेगा, गॉस ने तो ऐसा कहा नहीं, तो आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले कि सिर्फ स्पेरिकल गॉस है। अच्छा आपको लगा कि डेरिवेशन आसान हो जाएगी तो हम डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा कर देते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है। गॉस ने कहा कि इनक्लोज करो सरफेस, वो कैसी भी होगी उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसको चारों तरफ तुमने उसको घेर देना है चार्ज को सरफेस पे, क्योंकि phi इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो तो एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, फॉर्मूले में कहां पे एरिया आता है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर phi इक्वल टू ea में तो एरिया पे डिपेंड करता है, हाँ करता है, phi इक्वल टू ea पे तो एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे, फिर दोनों फॉर्मूले कैसे से, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई यहाँ पे खाली एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अगर एरिया इंक्रीज करेगा
तो उसको काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उन केसेस में डिक्रीज कर जा रहा होगा। आप ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, एरिया डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एरिया पे डिपेंडेंसी है, लेकिन गॉस तो कह रहा है तुम पढ़ो ही मत चक्कर में, एरिया देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ क्यू पे डिपेंडेंसी होती है। तो वो ये नहीं कह रहा कि आप इसको इसको आप स्फेरिकल बना के चलिए, वो कह रहा है कि आर्बिट्री शेप होना चाहिए। तो आप ये आर्बिट्री शेप आपने वो कह रहा है कैसा भी ले लो, तो मैंने इसको आर्बिट्री शेप बना के डेरिवेशन करूंगा। तो वो टीचर को जो बढ़िया बेहतरीन समझ वाले सब्जेक्ट के टीचर है उसको ये समझ में आ जाएगा, यस मेरा जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है उसको ये पता है कि गॉस ने जो बात बोली थी ना वो सिर्फ स्फेयर के लिए बोली है, सबके लिए बोली हुई। अब इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैसे, देखो बड़ी मस्त सी आपको दिखेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर लिया है आपने एक जैसा लिया है, तो भैया ये जो डीएस है उसकी डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। अब आप सोचो जरा सा मेथड नंबर टू का प्रूफ कितना भी आसान हो जाएगा देखो, लेकिन टेक्निकली रॉन्ग है। टेक्निकली मतलब मैं सोचता हूँ थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को नहीं लगती है तो आप इसको भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम हो गई। हाँ एप्लीकेशन करूँ तो मैं लगा दूँ कोई दिक्कत नहीं है, इन एप्लीकेशन दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई करने में आई एम फ्री, मैं कह रहा हूँ उसका एप्लीकेशन ले रहा हूँ, तो मैं कुछ भी मेथड यूज करूँ क्या फर्क पड़ रहा है उससे। लेकिन जब मैं प्रूफ कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रूफ देखो यहाँ पे, प्रूफ में क्या होगा, फ्लक्स निकालोगे आप, अब मुझे लिखने की जरूरत क्या है कि ओ पॉइंट है, आर डिस्टेंस, तो फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन डी फाइव इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा, ई बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, ये फायदेमंद की है, आसान कैसे हो जाता है डेरिवेशन देखो यहाँ पे, अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, ई और डी एस की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो जाएगा जीरो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, तो यहाँ पे सीधे आपका फ्लक्स फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो गया e ds, क्योंकि cos 0 cos थीटा 1 हो गया आपका। अब आपने क्या कर देना, देखो इसको इंटीग्रेशन e बाहर ले लेना है यहाँ पे ds। अब ये सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है, स्फेयर का इसको क्या करोगे, एरिया ऑफ स्फेयर वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, रख दो यहाँ पे 5 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो क्यू बाई, बच्चे सोचेंगे यार सॉलिड एंगल कौन निकालेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, मैं तो ऐसे ही करूँगा, कर लेना भैया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेक्निकली अगर आप हायर एजुकेशन को समझ रहे होंगे, और मैं काफ़ी लंबे टाइम से हायर एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप समझ रहे हैं, आप रिसर्च पीएचडी वीएचडी किए हुए हैं, आपको समझ है टॉपिक की, तो आप ऐसे काम आसानी से नहीं करोगे, ये आप उसको स्किप करके ये मेथड अप्लाई करना पसंद करेंगे। तो आप ऐसे भी ठीक है, आपको लग रहा है कि आप करना चाहते हो ये भी कर सकते हैं, ऐसे इसमें आसान होगा। तो करना क्या है, अपने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया यहाँ पे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, ठीक है। उसके बाद आपने फ्लक्स निकाला, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एस को ई डी एस कॉस थीटा कहते हैं। अब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो कितना होता है वन, ई डी एस ई बाहर लेके आ गए, इंटीग्रेशन डी एस, डी एस इसका एरिया हो गया, एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये लिख दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस में फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर रखा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो आज हमने पढ़ा है गॉस थ्योरम को, ध्यान से सुनिए, चार्ज उसके अंदर इंक्लोज होना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके एप्लीकेशंस करने वाले हैं, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, तब तक बाय।